हे नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल दरवाज़ा। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि जैसे आप बहुत बार वीडियो का फाइल जो रहता है वो बहुत हैवी रहता है। अगर आप यूट्यूब चैनल यूज़ करते हो तो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना चाहते हो तो जब बहुत बार ऐसा होता है कि 1 GB या छोटे छोटे वीडियो का साइज़ भी 1 GB 2 GB तक जाता है, तो आप उस फाइल का साइज़ कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और ऐसा कुछ बड़ा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, फ्री वाला सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा ये वाला, जैसे हमेशा बहुत सारे हम लोग यूज़ करते हैं। मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ जो है वो VLC प्लेयर की बात कर रहा हूँ। इसमें आप VLC प्लेयर मोस्ट ऑफ हम लोग वीडियो देखने के लिए या सॉन्ग यूज़ करने के लिए हम लोग करते हैं, तो वही चीज़ वहाँ से आप वीडियो की साइज़ भी कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। तो चलिए VLC प्लेयर में जाते हैं। VLC प्लेयर ओपन कर लेता हूँ मैं, तो चलिए पहले VLC प्लेयर ओपन कर लेता हूँ मैं। ये देखिए मेरे VLC प्लेयर ओपन हो गया है। अब सीधा वहाँ से मैं बताता हूँ, ये मेरा VLC प्लेयर ओपन हो गया। अब सीधा मीडिया में जाइए, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है कन्वर्ट एंड सेव, आप कन्वर्ट एंड सेव पे जाइए और देन वहाँ पे आप अपना जो फाइल है जिसको रिड्यूस करना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे समझिए मुझे यहाँ पे मुझे जो सिलेक्ट करना है पेट, मैं आपको यहाँ से कुछ एक फाइल दिखाता हूँ कि कितना साइज़ है उसका। जैसे जैसे क्रिएट लोगो, जैसे मेरे कुछ वीडियो का ये है, देखो इसका साइज़ जो है 59.88 MB वाला है, 59.8 MB वाला। यही फाइल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ 59.8 MB का अब फिलहाल करंट जो फाइल का साइज़ है वो है। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अलग अलग इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको YouTube के लिए बनाना है तो स्पेशल वीडियो फॉर YouTube HD सिलेक्ट कर दीजिए। देन आप यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल दे दीजिए, आप कहाँ पे उसको फाइल सेव करें। तो मैं फिलहाल इसको डाउनलोड में सेव कर रहा हूँ, क्रिएट लोगो पे आएगा। तो अभी मैं इसको सेव के लिए ऑप्शन क्लिक करता हूँ, देन स्टार्ट। और जैसे आप स्टार्ट करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे उसका काम चालू हो गया है, कन्वर्जन का। वो कन्वर्ट कर रहा है उसको, कन्वर्ट मतलब रिड्यूस कर रहा है उसकी फाइल साइज़, रिड्यूस कर रहा है। उसमें ना वीडियो का क्वालिटी ख़राब होता है, इसका एक स्पेशलिटी यही अच्छी बात है। मैं यही इसी से मेरे बहुत सारे सभी वीडियोज़ को फाइल साइज़ इसी से कम कर लेता हूँ, रिड्यूस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ वीडियोज़ अपने फिल्मों में बनाता हूँ। तो छोटी छोटी वीडियोज़ लाइक 10-15 मिनट्स की या 1 आवर की या 20 मिनट्स की वीडियोज़ भी ऑलमोस्ट लाइक एक 1 GB या 2 GB तक बन जाता है। उस फाइल साइज़ को रिड्यूस करना है तो कैसे करना है, तो मैं इस ऐसा ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, ना कोई सॉफ्टवेयर परचेस करना है आपको, ना कुछ अलग से पेमेंट करना है। फ्री वाले सॉफ्टवेयर है, जो से रेगुलर में हम लोग ये VLC प्लेयर तो अपने कंप्यूटर्स और सभी के कंप्यूटर में मोस्ट ऑफ द होता ही है ये प्लेयर। तो इससे आप अपने वीडियो की साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट हो रहा है, प्रोसेस जो है इतना फास्ट होता है। जैसे मेरे 10 मिनट्स का वीडियो है और जैसे हमने आपको मैंने बोला 58.9 समथिंग का उसका साइज़ था पहले का, तो अभी का देखते हैं हम लोग कितना साइज़ हुआ है। और वीडियो क्वालिटी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं, जैसे कि वैसे ही रहता है वीडियो क्लियरिटी। वही अगर दूसरी इसमें करने की कोशिश करोगे तो वो क्लियरिटी भी वीडियो क्लियरिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डाउनलोड में जाकर देखते हैं वो वीडियो क्रिएट हुआ है क्या। हाँ ये देख क्रिएट लोगो पे आ गया है, और देखो आप साइज़ देखिए यहाँ पे साइज़ आ गया 37.5, ऑलमोस्ट 50% का रिड्यूस हो गया, 50% रिड्यूस हो गया साइज़ का। देखिए अब यहाँ पे जैसे आप देखो यहाँ पे 37.5। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ और एक वीडियो करके दिखाता हूँ, जैसे इसको हो गया। अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और अभी मैं यूट्यूब पे जाके देखता हूँ। जैसे अभी ये चलो अभी मैं और एक वीडियो आपको करके देखता हूँ। इसका जो वीडियो मैं बताता हूँ ये वाला जो है, ये ऑलरेडी फाइल का साइज़ है 251 MB का साइज़ है। आप इसको देख सकते हो, क्रिएट लोगो फॉर यूट्यूब है, इसका 251 MB का जो ओरिजिनल फाइल ये वाला है, और मैंने उसे कन्वर्ट जो किया था वो डाउनलोड में आपको दिख रहा है। सेम फाइल का नेम आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये देखो
इसका फाइल साइज देखो 42.1 MB, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं सकते हो कि जहाँ 250 का साइज़ था वहाँ पे डायरेक्टली 42, जहाँ पे साइज देख सकते हैं यहाँ पे यही यही चाहिए है, और 42.1 MB का हो गया, 250 MB वाला फाइल सीधा 42 MB वाला, मतलब कितना फाइल ये हो जाएगा। आपको ये फाइल मैं प्ले करके भी दिखाता हूँ, कोई आप देख के लगेगा नहीं कि ये कि वैसा कुछ चाहिए, चाहे क्लियरिटी आप देख सकते हो वैसा के वैसा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो क्लियरिटी में नो इश्यू, जैसा मैंने रिकॉर्ड किया था ओरिजिनल फाइल में वैसे ही क्लियरिटी है, बहुत ही अच्छा ये है VLC प्लेयर। आपको फ्री में कोई भी फाइल आपको उसको कन्वर्ट रिड्यूस कर सकते हो। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर ज़रूर करना बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए ऐसा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस में हमेशा बनाता रहता हूँ, अलग अलग टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस में लेके आता रहता हूँ। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।